यार मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले मैं आपको दिखाई दूँ कि आखिरकार 20 मिलियन सरप्राइज के लिए मैं इतने टाइम से क्या बिल्ड कर रहा था। वो चीज़ देख के पता नहीं आप लोग शॉक होने वाले हो या फिर आपको बहुत अच्छे लगने वाली है, बट ठीक है। तो गाइस टेक टू गेमर्स ने फाइनली इतने दिनों के बाद माइनक्राफ्ट में जो 20 मिलियन वाला गेट था उसे ओपन कर दिया है। और भाई उसके पीछे से क्या निकला, भाई आप भी देखोगे तो आप भी कहोगे भाई ये क्या चीज है। यस गाइस एक्चुअली वो 20 मिलियन सरप्राइज ही है जो कि टेक्नो गेमर्स जब उनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले थे या फिर हो चुके थे तब वो उसे ओपन करने वाले थे। एंड एक और चीज वो कर रहे थे जो कि माइनक्राफ्ट से ही रिलेटेड थी बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई, इस वजह से ये वाला सरप्राइज भी डिले हो गया था। तो आखिर उस गेट के पीछे आखिर ऐसा क्या था जो कि भाई इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी, तो आप खुद ही देख लो। इस दरवाजे को करो ओपन एंड 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके तो ये था अपना 20 मिलियन सरप्राइज। तो जो अपना पूरा का पूरा कासल अपने उस नॉर्मल वर्ल्ड में है उसी का अपोजिट वर्जन मैंने बनाया था नेदर में। तो ये जो प्लान है ना ये मेरा आया था थोड़ा ताजमहल से। अगर आप लोग को पता होगा तो एक सफेद ताजमहल है उसी के सामने बना हुआ है एक काला ताजमहल। तो मेरा भी कुछ वैसा ही प्लान था कि अपना एक नॉर्मल कासल है उसी के अपोजिट साइड यानी नेदर में एक है काला ताजमहल। अपने नॉर्मल वर्ल्ड में पानी है तो इधर लावा है, उधर ग्रास है तो इधर मिट्टी है, बट हाँ इधर मैंने ग्रास लगाई है। कुछ कुछ चीजें सेम है बट मैक्सिमम ब्लॉक अपोजिट है। जो चीजें ब्लैक है वो व्हाइट है, जो व्हाइट है वो ब्लैक है, और अंदर से भी एग्जैक्ट सेम बना रखा है। इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम इसलिए चला गया क्योंकि ये जितना एरिया आप देख पा रहे हो इस सारे एरिया को पहले मैंने TNT से फोड़ के ट्राई करा, उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपना ये कासल बिल्ड करना। बट जैसा कि मैंने अपनी वो 20 मिलियन सरप्राइज वाली इस वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है कि क्या हुआ कि मैंने रिवील नहीं करा, वो यहीं जाके देखो, मैं दोबारा नहीं बताना चाहता। बट हाँ जो भी है ये था अपना 20 मिलियन सरप्राइज जिसे मैं बहुत टाइम से रिवील करना चाहता था, आप लोग देखना चाहते थे, बट अभी वो इतने चिंदी वे में रिवील हो रहा है कि ऐसे मजा भी नहीं आ रहा देखने में। बट ठीक है अभी वापस चलते हैं। वैसे यार सच में यार इधर सब कुछ ही बनाया था, इधर देखो पीछे टाउन हॉल भी है, सेम टू सेम विलेजर्स नहीं है इधर। मेरा प्लान था कि सब कुछ अपोजिट होगा, उधर विलेजर्स होते हैं तो इधर पिगलिंस होंगे और सारे मॉन्स्टर्स इधर ला के रखूंगा पालूंगा। चलो भाई ठीक है वापस चलते हैं। अभी इस कासल और नेदर वर्ल्ड में मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस आप लोगों को टेक्नो गेमर्स का ये नेदर वाला कासल कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मतलब अप्स एंड डाउन वाला भाई एक नॉर्मल वर्ल्ड में कासल एंड एक नेदर में कासल, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।